आप लोगों के सामने मैं SKS सर, मैं आप लोगों के लिए खास वीडियो लेकर आया हूँ। सर आखिर में वो वीडियो है क्या? वीडियो है इंग्लिश का वोकैब, मींस वोकैबुलरी, जो डेली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खास करके उन स्टूडेंट लोगों के लिए बनना चाहता हूँ जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा हूँ वो सब स्टूडेंट इस वीडियो को बारीकी से आगे पीछे 4-5 बार घुमा फिरा कर देखें। 4-5 बार अगर देख लीजिएगा, पक्का गारंटी बोल रहा हूँ, एंड तक इस वीडियो में रहिए, आपको बहुत सारा वर्ड मीनिंग आपको मैं सिखा देता हूँ। आप लोगों के लिए मैं 8 वर्ड लिख रहा हूँ। पहला वर्ड स्ट्रीम, STRIVE, स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स होता क्या है, जैसे मान लीजिए सिनोनिम्स वर्ड इसका होता है ट्राई, प्रयास करना, कोशिश करना। सर पार्ट ऑफ स्पीच में इसे कहते हैं क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में इसे जो है यह भर फॉर्म है। सेकेंड वर्ड है इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल मतलब होता क्या है, मीन्स समझ से बाहर, मीन्स मिस्टिफाइंग या मिस्टीरियस। तीन नंबर होता है स्पीयर हेड मीन्स, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक कमांडर या कोई मेनली लीडर का जो, जैसे कोई आर्मी का मान लीजिए कि हेड जो आगे है उसको कहते हैं अगुआ, मतलब हेड पर्सन, हेड ब्रांच, ठीक है। तो सर पार्ट ऑफ स्पीच में इसे स्पीयर हेड मीन्स होता क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में स्पीयर हेड पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन फॉर्म होता है। फोर्थ नंबर है कंबरसम, CUMBERSOME, कंबरसम, यह एक एडजेक्टिव फॉर्म है पार्ट ऑफ स्पीच में। सर इसका हिंदी मीनिंग क्या है, इसका हिंदी मीनिंग होता है हार्ड, मीन्स जटिल। सर इसका हार्ड मीन्स इंट्रिकेट, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट कॉलमनिस्ट, COLUMNIST, कॉलमनिस्ट, COLUMNIST, कॉलमनिस्ट, ये एक नाउन फॉर्म है। सर इसका मतलब होता क्या है, कोई भी एक ऐसा बंदा जो जर्नलिस्ट है, आर्टिकल्स वगैरह लिखता है, ठीक है, न्यूज़पेपर के लिए या मैगजीन के लिए, उसे कहते हैं कॉलमनिस्ट। सर नेक्स्ट वर्ड आपका होता है सोनिया, GENRE, सोनिया, जैसे मान लीजिए कोई लिटरेरी वर्ड, अ काइंड ऑफ लिटरेरी वर्ड को हम लोग कहते हैं सोनिया। सेवन नंबर वर्ड परलॉइन, PURLOIN, परलॉइन, परलॉइन मीन्स सिनोनिम्स वर्ड क्या होता है, स्टील। सर इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, चुराना। सपोज मान लीजिए कि मैंने आपका कोई चीज़ चुरा लिया, ठीक है, मैं आपका कोई चीज़ 2 दिन पहले चुरा लिया, I purloined your mysterious and expensive thing. And last and final, outrun. Outrun means क्या होता है, outrun. Outrun means ये एक part of speech में इसको verb form कहते हैं, OUTRUN, outrun. इसका means क्या होता है, meaning synonyms word means running, racing, means तेजी से दौड़ना। कोई बच्चा, कोई बालक बहुत स्पीड में दौड़ रहा है तो उसको कहते हैं outrun, ठीक है। तो आई होप ये 8 वर्ड आपको समझ में आया होगा, फिर से रिपीट करता हूँ, स्ट्रीम, इनएक्सप्लिकेबल, स्पीयर हेड, कंबरसम, कॉलमनिस्ट, सोनियर, परलॉइन, आउटरन। इस तरह का अच्छा अच्छा वीडियो आपको देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हर एक मम्मी पापा भैया चाचा चाची जो स्कूल 10 साल पहले छोड़ चुके हैं, जो अभी ऑफिस में हैं, सबको ये वीडियो दीजिए, क्योंकि ये वर्ड मीनिंग है, इंग्लिश वर्ड मीनिंग। कोई बैंक वगैरह इधर उधर जा रहे हैं, आपको ये सब वर्ड का जरूरत पड़ता है, खास करके कंपटीटर जो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, UPSC, सिविल सर्विस, बैंक, रेलवे, SSC, उनको ये स्पेलिंग तो बहुत जरूरी है। आई होप अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरा मनोबल रहे, नेक्स्ट वीडियो में जो उसके समय है, SKS सर, बाय।